सास तेरी एक न मानूंगी फिल्म हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाखी फैमिली ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज दिन है सैटरडे और सुबह के 8:30 या 9 के करीब का टाइम हो रहा है और अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और बुआ जी और जो है वो जा रही हैं। आज वो एक दिन के लिए ही आई थी हम लोगों से मिलने के लिए, तो वो दोनों अभी तैयार ब्रेकफास्ट करके तैयार होने लग रही हैं, तो वो लोग जा रहे हैं अभी और एक जाएगी तुरेडी, एक जाएगी फफराना। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, हम तो बोल रहे शाम के टाइम में चले जाए या फिर सुबह में, दोपहर में तो बिल्कुल भी घर से निकला नहीं जाता है। और आज दिन सैटरडे है और एक मुझे कमेंट आया था कि आपने फ्राइडे का व्लॉग तो डाल दिया, फ्राइडे को आपने क्या सैटरडे को क्या किया है, सैटरडे का व्लॉग नहीं डाला है। तो व्लॉग तो मैं बना रही हूँ, जितना भी मुझसे हो रहा है, जितना भी बन पाता है वही क्लिप शूट कर लेती हूँ, वही व्लॉग बना लेती हूँ, पर ज़्यादा नहीं क्योंकि वहाँ पर अकेले रहती हूँ तो अकेले में तो मैं वीडियो बना लेती हूँ कुछ भी, पर यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, यहाँ काम वाम कुछ करने को ज़्यादा है नहीं तो वीडियो भी कम ही बन पाता है। तो पर आप लोगों को अच्छी बहुत ज़्यादा लग रही है मेरी यहाँ की वीडियो, बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत लोग इतना प्यार कर रहे हैं कि बस पूछिए मत। तो इसलिए मेरा मन करता है कि नई वीडियो तो जाना ही चाहिए। तो अभी बुआ जी हर हैं वो जाएंगी तो उनका भी मैं बनाऊंगी वीडियो अभी, तो मैंने सोचा आज ना मॉर्निंग से ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है तो सुबह से ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ जब ही तक शाम तक बन पाएगा, और शाम तक ही बनाती हूँ तब जाके मेरा व्लॉग जो है वो कंप्लीट हो पाता है। ये पीछे फ्लावर अच्छे लग रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड अच्छा आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा देखने में, और अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आपको इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ लाइक किए बगैर मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पांचू नमस्ते कर, नमस्ते कर, पांचू से मैं वीडियो बनाने जा रही हूं। हां 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 भेजूंगी कौन की शॉट कर दी साड़ी ना हमारी है ए बाइक बैठी है रखी बाय बाय बाय। तो अभी मैं दे रही हूँ पौधों को पानी, शाम का टाइम हो रहा है क्योंकि पौधों को जो पानी हो सुबह में या शाम के टाइम में दिया जाता है, और यहाँ इस टाइम भी बहुत ज़्यादा धूप होती है, पर इनको अच्छी तरीके से ऊपर से धुल के और पानी दे दे तो बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइम में। सुबह में भी एक बार जब ये सारा फर्श साफ होता है तो मॉर्निंग के टाइम में भी सारे पौधों में पानी दिया जाता है, और इनमें खाद वात मम्मी घर का ही डालती है, इसी वजह से ये इतने ना हरे हरे और इतने मतलब अच्छे चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और सारे पौधों पर फूल भी और मतलब पत्ती, कोई कीड़ा नहीं, कोई कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो मैं पाइप से पानी दे रही हूँ सब पौधों को, और इधर में मशीन लगी हुई है तो कपड़े भी धुल रहे हैं साथ के साथ में, और यहाँ भी दिल वो दिया गया पानी, तो ये सारा फर्श जो है वो शाम के टाइम में भी एक बार धुल जाता है, जो रात को लेटते हैं तो थोड़ा ना ठंडा ठंडा सा रहता है यहाँ पर। और अभी मैं गाय को पिला रही हूँ पानी,
गर्मी का टाइम है तो इनको भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो मैं इसको पानी पिला रही हूँ अभी। और उसके बाद में अभी मैं जो ये ऊपर के काम होते हैं जो मम्मी करती है वही ये काम मैं कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है सब काम। अभी मैं गाय को रला रही हूँ चोकर, इसको चोकर ही बोलते हैं जो कि गाय के चारे में रलाया जाता है। इसको न्यार जो है वो तो मम्मी ने कर दिया था, तो मैं इसमें चोकर रला रही हूँ। और ये भूस की सानी है, न्यार नहीं है, तो जो हरा आता है खेत में से। तो अभी मैंने शाम के टाइम हाँ 3 से 4 बज रहा है, मैंने बोला था कि मेरा व्लॉग जो है वो पूरा दिन ही चलता है। तो अभी मैंने पौधों को पानी दिया है और जो गाय है उसको न्यार किया है और पानी पिलाया है। तो यही 2-3 काम किए हैं। भाभी जो है वो कपड़े धुल रही है, उनको हमने मशीन लगाई हुई है। कपड़े हमारे यहाँ अब डेली धुलते हैं, वो रोज़ मशीन नहीं लगाती है, पर इतने लोग हो रहे हैं तो रोज़ ही कपड़े धुलने पड़ते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा ही इकट्ठे हो जाते हैं। और वो क्या करती है ना कि डेली के कपड़े धुलती हैं और डेली के सारे पर, चाहे रात के 12 बज जाए चाहे कुछ भी हो जाए, उन सभी कपड़ों पर प्रेस भी करके साथ साथ में रख देती हैं। मेरी तरह नहीं है, 3-3 दिन तक बेड पर पड़े रहते हैं। मेरे तो पड़े रहे 3-3 दिन तक। ये मेरी तारीफ थी, तेरी बुराई थी। तो मेरी तरह नहीं है कि 3-3 दिन तक बेड पर कपड़े पड़े रहे। मेरे साथ होता है ये, मैं जल्दी से कपड़ों को फोल्ड नहीं कर पाती हूँ। और ये तो अपना साथ में धुल दिए, पर यहाँ सूख भी तो जल्दी जावे ना, यहाँ धूप भी आ रही है तो साथ के साथ में सूख जावे, रात को प्रेस कर लो। और अभी बस यही कुछ काम चल रहे हैं जो कि इवनिंग के होते हैं। पता नहीं व्लॉग किस टाइम तक एंड होता है, मेरा रात भी हो जाती है, पूरा दिन चलता है, पूरे दिन में ही इतू सब लोग बन पाता है। पर कुछ नहीं, आप लोगों तक आ तो डेली ही रहा है, ऐसा नहीं है कि ना हो। और यहाँ पर ना मेरा वहाँ पर वाईफाई और यहाँ जो फ़ोन में डाटा होता है वो सेम काम कर रहा है, इतना ही मतलब स्पीड से मेरा यहाँ डाटा जो है फ़ोन का वो चलता है, वहाँ उतनी स्पीड से वाईफाई चलता है। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ये परेशानी होती, मैं ये सोची थी कि पता नहीं यहाँ का डाटा मतलब जो वो है फ़ोन का जो नेट है वो स्लो चलेगा या तेज़ चलेगा, पर ठीक चल रहा है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि बहुत कम चल रहा है, बहुत स्पीड बहुत अच्छी है यहाँ की उसकी। तो चलिए अभी देखते हैं कि कुछ 1-2 काम और करना है और फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तुम खेलो परी, तुम खेलो, ये नहीं खेलो तो तुम खेलो। परी सब बुला ला काकुल को, तुम खेलो जब ये नहीं खेल रहे तो तुम खेल लो ना, जब ये नहीं खेल रहे यो खेल लेगा, छोटा छोटे को खिला लो, खिला लो। और उसे बुला ला काकुल को, काकुल को या कुनाल को खिलाओगी? परी कुनाल तो मैं खेलना नहीं देने का। तुझे बुला रही परी, खेलिए जा। हाँ खेल ले। तो शाम के टाइम में मैं बच्चों के साथ में बैठी हूँ बाहर। इस टाइम में यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर छाँव जाती है और हल्की हल्की सी हवा चलती रहती है, तो पंखे की तो ज़रूरत ही नहीं होती। यहाँ के जो पंखे होते हैं ना वो ज़्यादा तेज़ चलते नहीं हैं, पर इस टाइम पर यहाँ बाहर बैठना बहुत अच्छा लगता है। सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उन बच्चों के साथ में मैं भी बाहर ही बैठी हुई हूँ। और इस टाइम पर बाहर बैठना, अंदर तो जाने को मन ही नहीं करता, यहीं बैठने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सब बच्चे भी बैठे हैं और मैं भी यहीं पर बैठी हूँ।
तेरा ससुरा पावेगा ससुरे से मैं मुंगट कर लूंगी फिर चंद्रावण देखूंगी सास तेरी एक न मानूंगी फिल्म चंद्रावण देखूंगी फिल्म तू कैसे देखेगी बोल मैं तेरा जेठा पावेगा जेठ में मैं घूंघट कर लूंगी फिल्म चंद्रावण देखूंगी सास तेरी एक न मानूंगी फिल्म चंद्रावण देखूंगी फिल्म तू कैसे देखेगी और मैं तेरा देवर पाऊंगी सेवर न मैं गोदी में ले लूंगी फिल्म चंद्रावण देखूंगी सास तेरी एक न मानूंगी फिल्म चंद्रावण देखूंगी फिल्म तू कैसे देखेगी और मैं तेरा बल मापावेगा बल में से मैं हंस बतला लूंगी फिल्म चंद्रावण देखूंगी सास तेरी न मानूंगी फिल्म चंद्रावण देखूंगी क्या बोलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। और आपने मेरे पापा का गाना सुना होगा, गाना नहीं गीत है ये। और जब मैंने पहली बार रिकॉर्ड किया था तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो सब ने बोला कि अंकल जी कितना अच्छा गाते हैं। कुछ तो रिक्वेस्ट करे थे कि वही जच्चा फिर से सुनवाइए, पर मेरे पापा पर बहुत सारे गीत और जो लेडीज़ गीत होते हैं वो भी बहुत आते हैं। मैं देखती हूँ कि आगे आगे वीडियो में एक एक, जब तक यहाँ पे हूँ जब तक एक एक क्लिप डाल दूँ। तो जब आप लोगों को अच्छी लग रही है तो क्या हर्ज है इसमें। आज भी मैंने पापा से बोला कि पापा एक थोड़ा सा गीत सुना दीजिए। पापा के तो भंडार है गीतों का, बहुत गाते हैं पापा। रागनी गीत हो गए, हर तरह के लेडीज़ गीत, सब कुछ जो भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। जैसा भी बना है आप लोग बस देख लीजिएगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। कल दिन है संडे, और संडे को मुझे एक बात और मुझे आप लोगों से करनी थी, मैं भूल गई उसको। तो मेरे पास जो है वो कुछ कपड़े आए हुए हैं, उनका रिव्यू करना है। मैंने अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई है, एक भी वीडियो ऐसी नहीं बनाई है, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ में मेरा सपोर्ट करना, क्योंकि वही है ना, जब हम काम करते हैं, मैं इस चीज़ को पहले भी बोल चुकी हूँ, वैसे मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो भी मुझे अच्छा लगता है वो वीडियो मैं करना प्रेफर करती हूँ। ये नहीं है कि कोई भी आ गया और कोई भी वीडियो मैंने कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा भी होगा मैं बहुत कम ऐसी वीडियो करती हूँ, जो अच्छी होती हैं, जो कि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होती हैं, वही वीडियो में करना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, ना कि कुछ और चाहिए। तो मुझे एक वीडियो करनी है, वो कपड़ों की है, और आपको वो अच्छे लगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उससे। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए वीडियो कर देती हूँ। तो कल मुझे उसका भी वीडियो बनाना है और व्लॉग तो बनाना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और वो वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा ना, तो प्लीज़ आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करना इस चीज़ के लिए। आपको पता ही है मेरा जो ड्रेसिंग सेंस है वो थोड़ा अलग है और हटके है थोड़ा सा, पर जब आया है तो मैं देखती हूँ। अगर वो कपड़े अभी तक मैंने देखे नहीं हैं, अगर मुझे वो अच्छे लगे और कंफर्टेबल लगे तो ही करूँगी, अगर ना ही लगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ये मैंने सोच रखा है, चाहे मुझे वो वापस ही क्यों ना देने पड़े, पर अगर मुझे वो अच्छे लगे तो ही मैं करूँगी। और वैसे मैंने उनको बोल दिया था कि मुझे जो कपड़े चाहिए वो बिल्कुल ऐसे चाहिए जैसे कि मैं पहनती हूँ, ऐसे ही कपड़े चाहिए, ज़्यादा फैंसी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप लोगों का भी इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को कर रही हूँ। तो आज का जो ये व्लॉग है वो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।